जिस तरह हमने इनकम टैक्स पढ़ा कि इनकम टैक्स जो है वो इंडिविजुअल की इनकम पे लगता है, बिजनेस के प्रॉफिट पे लगता है, पार्टनरशिप हो गया, एम्प्लॉयमेंट इनकम हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम हो गया, इसी तरह कॉरपोरेशन टैक्स है वो कंपनी के प्रॉफिट पे या कंपनी की अर्निंग्स पे लगता है, इस तरह इनहेरिटेंस टैक्स किसके ऊपर लगता है? तो आसान अल्फाजों में इनहेरिटेंस टैक्स बेसिकली दो चीज़ों पे लगता है, गिफ्ट ऑफ एसेट्स, और ये जो गिफ्ट ऑफ एसेट्स होते हैं ये दो मौकों पर दिए जाते हैं। एक शख्स अपनी लाइफ में अगर किसी को गिफ्ट देता है तो उस पर इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, और एक शख्स की जब डेथ होती है तो उसकी डेथ इस्टेट जिसको हम जायदाद कहते हैं ना, मर गया बंदा, विरासत जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर डेथ इस्टेट जो उसकी बिलोंगिंग्स बची उसके ऊपर आईएसटी लगता है। ये दो मौके हैं जिनके ऊपर आईएसटी पे किया जाता है। तो आईएसटी बेसिकली पे किया जाता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के ऊपर, कि मैं अपनी कोई चीज गिफ्ट की फॉर्म में किसी और को ट्रांसफर कर रहा हूँ, चाहे ड्यूरिंग दी लाइफ कर रहा हूँ या एट द टाइम ऑफ डेथ अपनी विल में लिख कर चला गया कि जी मेरे पास जो कुछ है वो मैंने किसी को ट्रांसफर किया। ये दो कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिसके ऊपर आईएसटी लगता है, सही। तो हम ये कहेंगे कि आईएसटी जो है वो बेसिकली इनहेरिटेंस टैक्स चार्ज होता है, नंबर वन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, यानी कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होना जरूरी है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ऑफ चार्जेबल प्रॉपर्टी, यानी कि वो चीज एग्जेम्प्ट ना हो, और चार्जेबल पर्सन। हमारे केस में सिंपल है ना, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होगी क्योंकि हमारे केस में चार्जेबल प्रॉपर्टी, चार्जेबल पर्सन इंडिविजुअल होता है, सही है। कॉरपोरेशन आईएसटी नहीं पे करता, इंडिविजुअल सिर्फ आईएसटी पे करता है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मैंने बताया कि एक शख्स से वो अपनी कोई भी चीज किसी और को पे कर रहा है तो वो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होती है। अच्छा, अब इसके अंदर जो गिफ्ट देने वाला होता है उसको हम कहते हैं डोनर। दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर, एक तो डोनर है, डोनर वो उसे कहते हैं जो किसी को एसेट ट्रांसफर करता है, और दूसरी पार्टी होती है डोनी। डोनी हम उसको कहते हैं जो रिसीवर होता है। ठीक है, दो पार्टीज हो गई इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बेसिकली क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इज समथिंग, चलिए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हमने बात की कि आईएसटी जो है वो दो चीज़ों पे लगता है, एक तो लाइफ टाइम ट्रांसफर हो गया जो उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर ट्रांसफ़र किया, और एक हो गया एट द टाइम ऑफ डेथ जिसको डेथ स्टेट कहा जाता है। लाइफ टाइम ट्रांसफ़र दो तरह के होते हैं, एक को कहा जाता है पीईटी पेट, दूसरे को कहा जाता है सीएलटी। इसका फुल फॉर्म है पेट स्टैंड्स फॉर पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। और दिस इज कॉल्ड चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर। अब इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना है कि ये कैसे पता लगता है कि एक चीज पेट होगी दूसरी चीज चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर होगी। तो हमारे सिलेबस में अगर आप गिफ्ट कर दें ट्रस्ट को, ट्रस्ट बहुत सारी तरह के होते हैं, सिंपल आप ये बात ध्यान में रखें, ट्रस्ट अगर कोई गिफ्ट कर दें किसी ट्रस्ट को तो वो चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर होगा, और पीईटी जो होगा वो अदर देन ट्रस्ट होगा। उसके अंदर जो हमारे सिलेबस के अंदर चीज़ें आती हैं कि एक शख्स ने अपने बेटे को कोई गिफ्ट किया, अपनी बेटी को कोई गिफ्ट किया,
किसी रिश्तेदार को किया, वाइफ को किया, वो सब जो है वो वाइफ या सिविल पार्टनर या वाइफ ने हस्बैंड को किया, तो वो पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर की कैटेगरी के अंदर आता है। इसी से हम उसको जज करेंगे। अच्छा, अब पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर क्या है? देखें, जो पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर है ना, वो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एग्जेम्प्ट होता है। यानी कि जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो वो ना तो डोनर को उस पर टैक्स देना पड़ेगा, ना डोनी को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो सीएलटी होगा वो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर पार्शियली टैक्सेबल होगा। पार्शियली टैक्सेबल होगा, और या तो उसके ऊपर टैक्स डोनर देगा या फिर उसके ऊपर टैक्स डोनी देगा। ये अपनी म्यूचुअल विलिंगनेस से ये डिसाइड कर सकते। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर की बात करें तो नो टैक्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर गिफ्ट। अच्छा, लेकिन बाज दफा, अच्छा इसे पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर क्यों कहते हैं, एग्जेम्प्ट ट्रांसफर क्यों नहीं कहते? इसलिए कि बाज दफा ऐसा हो जाता है कि पेट जो होता है वो टैक्सेबल हो जाता है बाज दफा। सही, कब? अगर एक शख्स ने किसी को गिफ्ट किया, मसलन उसकी गिफ्ट की डेट थी से सपोज 1 जनवरी 2012, तो एट द टाइम ऑफ गिफ्ट तो वो एग्जेम्प्ट हो गया। लेकिन फिर ये देखा जाएगा उस शख्स की डेथ कब हुई। मसलन उस शख्स की डेथ हुई 7 साल के अंदर या आफ्टर 7 ईयर्स, ये देखा जाएगा। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा रूल बनाया हुआ टैक्स अथॉरिटी ने कि अगर एक शख्स गिफ्ट देने के 7 साल या 7 साल के अंदर, ना 7 या 7 ईयर्स के अंदर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो पीईटी है वो टैक्सेबल बन जाएगा, और जो गिफ्ट लेने वाला है उसको टैक्स देना पड़ेगा। सात साल ना, यानी कि अगर किसी शख्स को गिफ्ट करने के बाद डेथ उसकी 7 साल और 1 दिन यानी कि अगला 1 दिन लग गया, तो इसका मतलब है पीईटी टैक्सेबल नहीं होगा, पीईटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर उसकी डेथ होती है 1 साल बाद 2 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद तो पीईटी लगेगा। लेकिन अगर उसकी डेथ होती है आफ्टर 7 ईयर्स तो अब जो पीईटी था वो डेथ के वक्त भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी कि पीईटी जो होगा वो कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब आपको डेथ के वक्त भी कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। सो द रूल क्या बना कि पीईटी समटाइम्स टैक्सेबल होता है एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, और वो भी केस टू केस वेरी करता है। 7 ईयर्स का आपको रूल याद रखना। अच्छा, एज फार एज सीएलटी इज कंसर्न, जब हम सीएलटी करते हैं तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर टैक्सेबल होता है, पार्शियल टैक्सेबल होता है। उसके बाद सेम रूल डेथ वाला इसके ऊपर भी अप्लाई होता है 7 ईयर्स का। अगर डोनर विद इन 7 ईयर्स मरता है या आफ्टर 7 ईयर्स मरता है, ये देखना पड़ेगा। अगर डोनर गिफ्ट करने के विद इन 7 ईयर्स मर जाता है तो एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा सीएलटी के ऊपर, और ये एडिशनल टैक्स कौन देगा? ये एडिशनल टैक्स हमेशा ट्रस्ट देगा, ट्रस्ट वो जिसको उसने गिफ्ट किया है। और अगर 7 साल पूरे हो जाते हैं तो नो एडिशनल टैक्स,
कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बस वो पार्शियल टैक्स वॉज इनफ। अच्छा जी, कोई सवाल है किसी के माइंड में? हम आगे बढ़ते हैं। सर ये 7 साल वाला रूल है, इसका मतलब ये कि 7 साल मरने के बाद प्रॉपर्टी मिलेगी, तब ऐसा होगा? जी नहीं, गिफ्ट दे दिया किसी को, एक शख्स ने किसी को गिफ्ट दे दिया, अब गिफ्ट की डेट से 7 साल काउंट कर लें। अगर गिफ्ट देने वाला उस 7 साल की डेट के अंदर अंदर मर गया, तो जिसने गिफ्ट लिया है उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, अगर वो पेट था तो। अच्छा, सही सही। ट्रांसफर तो फौरन हो जाएगा ना, अगर ट्रांसफर नहीं हुआ तो फिर आईएसटी क्यों लगेगा? आईएसटी तो लगता ही ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के ऊपर। ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू जो है वो यूजुअली एग्जाम में गिवन होती है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू अगर ना दी भी हो तो हम उसे निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे गिफ्ट देने वाले की वर्थ, ट्रांसफर करने से पहले उसकी वर्थ कितनी थी, और उसमें से माइनस कर देंगे कि गिफ्ट देने के बाद अब उसके पास क्या बचा। तो जो कुछ चला गया उसके पास से उसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, जिसे कहते हैं डिमिन्यूशन, यानी कि उसकी वेल्थ के अंदर डिमिन्यूशन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं कैश की बात करूं, मेरे पॉकेट में 2 लाख रुपए रखे हैं, मैंने किसी को 1 लाख रुपए दे दिए, तो बाकी क्या बचे? 1 लाख। इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या होगी? 1 लाख। इसी तरह किसी के पास शेयर्स रखे हुए हैं और उसने कुछ शेयर्स उठाकर किसी को दे दिए, तो अब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कैलकुलेट करवाएगा एग्जामिनर, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एग्जामिनर कैलकुलेट भी करवा लेता है बाज़ दफ़ा, और वो सिर्फ शेयर्स के कॉन्टेक्स्ट के अंदर होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है, उसके पास 5,000 शेयर्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू गिवन होती है, सही है? एक शख्स है, उसके पास XYZ PLC के 100% होल्डिंग मौजूद है, 5,000 शेयर जो के, बल्कि 100% नहीं बोलना चाहिए मुझे, ये कर देना चाहिए आउट ऑफ 10,000, 50% होल्डिंग है उसके पास, 10,000 शेयर में से 5,000 उसने होल्ड किए, सही? उसने 1,000 शेयर उठाकर अपने बेटे को दे दिए, शेयर्स की जो वैल्यूएशन होती है ना वो होल्डिंग के हिसाब से होती है। तुम लोगों को सरप्राइजिंग लगेगा, हम लोग समझते हैं एक शेयर की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल 10 रुपए है, तो आप 1,00,000 शेयर्स खरीदें तब भी 10 के मिलेंगे, 2 करोड़ शेयर्स खरीदें, ऐसा नहीं होता। शेयर्स की वैल्यू जो है ना वो होल्डिंग के हिसाब से चलती है, मसलन अप टू 25% 6 पर शेयर, 26% से लेकर 50% 8 पर शेयर। तो 40 कर दे, 41 से लेकर 70% तक 10 पर शेयर, 71 से लेकर 100% तक 15 पर शेयर। ये आपको एग्जाम में गिवन मिलेगी अगर उसकी वैल्यूएशन करवानी हो। तो जिसके पास 25% होल्डिंग होती है तो एक शेयर 6 पे बिकता है, जिसके पास 40% तक होल्डिंग होती है उसके एक शेयर की वैल्यू 8 होती है, जिसके पास 70% तक होल्डिंग होती है उसके एक शेयर की वैल्यू 10 होती है,
और जिसके पास 71 से लेकर 100% की होल्डिंग होती है उसके पास 15 पर शेयर की वैल्यू होती है। अब मेरे पास ओरिजिनली शेयर्स थे कितने आउट ऑफ परसेंटेज कितनी थी, मैंने 1000 शेयर्स दे दिए, बाकी कितने बचे 4000 आउट ऑफ 10000, होल्डिंग कितनी हो गई 40% होल्डिंग हो गई। अब मैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू निकालता हूँ, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू निकालने का आपको यही एग्जांपल आती है, एज इट इज कॉपी पेस्ट, वैल्यू ऑफ स्टेट बिफोर ट्रांसफर, बिफोर ट्रांसफर उसके पास कितने शेयर्स थे 5000, परसेंटेज में कितने थे 50, 50 का मतलब है 10 पर शेयर, तो उसकी वर्थ कितनी थी 50000, 1000 शेयर्स उसने दे दिए, बाकी शेयर्स कितने बचे 4000, परसेंटेज हो गई 40, 40 का रेट है 8, 32000, डिमिनिशन निकालें 50 में से 32000 माइनस कर दें, ये है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इसके ऊपर आईएसटी लगेगा, यानी कि आईएसटी कैलकुलेट करने का जो बिगनिंग प्रोसेस है ना वो है आपके पास ट्रांसफर ऑफ वैल्यू होनी चाहिए। अब एग्जाम में वो दे दे तो मेहरबानी उसकी, नहीं देगा तो आपको ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में से बाज दफा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के ऊपर कुछ एग्जेम्पशंस मिलती हैं, उसके बाद उस ट्रांसफर वैल्यू के ऊपर फिर टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो वो एग्जेम्पशंस क्या होती हैं, एग्जेम्पशंस जो है वो लाइफ टाइम गिफ्ट्स के ऊपर भी होती हैं और डेथ स्टेट के ऊपर भी होती हैं। अभी हम लाइफ टाइम गिफ्ट्स की बात कर रहे हैं, ये लाइफ टाइम गिफ्ट जो दिए गए उसमें से एग्जेम्पशन क्या होती है। पहली टाइप ऑफ एग्जेम्पशन जिसे कहा जाता है स्मॉल गिफ्ट एग्जेम्पशन, दूसरी टाइप ऑफ एग्जेम्पशन जिसे कहा जाता है मैरिज एग्जेम्पशन। लोग अक्सर शादियों के ऊपर एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट ऐसा है जो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। तीसरी कैटेगरी होती है नॉर्मल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इनकम, हर शख्स किसी ना किसी पर कोई ना कोई खर्चा तो कर रहा होता है ना, तो हर चीज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू नहीं होती। और चौथी है एनुअल एग्जेम्प्शन जो कि सबको मिलती है। ये चार तरह की एग्जेम्पशन आती है। अब इसको वन बाय वन देख लेते हैं कि स्मॉल गिफ्ट एग्जेम्पशन का रूल क्या है। Outright gift no more than 250 per person per annum. अगर आप किसी शख्स को 250 का गिफ्ट देते हैं, 250 या 250 के अंदर देते हैं, सही है, तो पूरा का पूरा गिफ्ट जो है वो स्मॉल गिफ्ट एग्जेम्पशन के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर
गिफ्ट 250 से ज्यादा का हुआ, मसलन 400 का है, तो होल इज टैक्सेबल। एक्सेस का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। अच्छा, ये जो 250 है, सही है, ये 250 जो है वो इस तरह से काउंट होंगे कि पूरे साल में आपने एक इंडिविजुअल को कितना गिफ्ट दिया। मसलन पहले आपने 15 जनवरी को, 15 जुलाई को, 19 में आपने एक गिफ्ट दिया 150 का, फिर 18 अगस्त 19 को एक टैक्स ईयर के अंदर आपने 150 का दोबारा गिफ्ट किया। टोटल टैक्स ईयर में एक बंदे को गिफ्ट कितना हुआ, ये एक ही बंदे को दिया हुआ मिस्टर ए, 300 का हो गया, सही है। सो नो स्मॉल गिफ्ट एग्जेम्पशन इज एप्लीकेबल। अगर ये 250 या 250 से कम होता है एक पर्टिकुलर साल में एक बंदे के लिए, तो फिर ये पूरा का पूरा आपकी एग्जेम्पशन के अंदर चला जाता है। तो डोनर जो है वो इस तरह से गिफ्ट कर सकता है कि किसी को 200 दे दिए, किसी को 250 दे दिए, किसी को 180 दे दिए। जहाँ डोनर ने किसी को गिफ्ट किया और वो 250 से ज्यादा का होगा, तो उस पर ये स्मॉल गिफ्ट एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट कैटेगरी, शादी के वक्त लोगों को बड़े गिफ्ट मिलते हैं, दादी दे रही, दादा दे रहे हैं, फादर मदर दे रहे हैं, दोस्त दे रहे हैं, रिश्तेदार दे रहे हैं, ब्राइड टू ग्रूम जा रहा होता है, ठीक है। मैरिज एग्जेम्पशन उस वक्त है जब एक्चुअल मैरिज हो जाए, ये एक्चुअल मैरिज हो रही हो, यानी कि शादी की तारीख वारीख रख दी और आपने गिफ्ट आना शुरू किया, हमारे यहाँ जो इंगेजमेंट वगैरह के होते हैं वो नहीं काउंट होंगे। अच्छा, यूके के अंदर मैरिज का जो रूल है वो सिविल पार्टनर के ऊपर भी अप्लाई होता है, तो मैरिज या सिविल पार्टनर के ऊपर ये रूल अप्लाई होता है कि अगर किसी की मैरिज हो रही हो और उसने अल्टीमेटली कहीं से कोई गिफ्ट रिसीव किया, तो देने वाले के लिए वो एग्जेम्पशन में आएगा या नहीं आएगा। तो पेरेंट्स के लिए 5000 बाय पेरेंट्स, यानी कि किसी शख्स ने अपने बेटे की शादी पर या बेटी की शादी के ऊपर एक गिफ्ट किया, तो 5000 की एग्जेम्पशन है। इसमें अप टू का कॉन्सेप्ट आता है। अगर एक शख्स ने अपने बेटे की शादी पर उसको 50,000 का गिफ्ट किया, तो 5000 की एग्जेम्पशन आप माइनस कर दें, रिमेनिंग 45,000 पे टैक्स लगा दें। तो पेरेंट की तरफ से 5000 चाहिए, मदर फादर अलग अलग चाहिए। 2500 यानी कि हाफ बाय ग्रैंड पेरेंट, दादा दादी नाना नानी अगर कोई गिफ्ट देते हैं तो ग्रैंड पेरेंट की तरफ से, सही है। और कोई और रिमोट एंसेस्टर, दूर का रिश्तेदार। सिमिलरली 2500 बाय अ पार्टी टू द मैरिज, हस्बैंड टू वाइफ, वाइफ टू हस्बैंड, सिविल पार्टनर टू ईच अदर। एक बंदा है वो किसी दोस्त की शादी में जाता है और वहां पर वो 1000 का गिफ्ट देकर आ जाता है मैरिज के ऊपर, तो वो 1000 की एग्जेम्पशन, उसको 2000 का गिफ्ट देकर आ गया तो उसको 1000 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी बाय एनीवन एल्स, ठीक है। उसमें कोई रिश्तेदार या कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये हम ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में से डिडक्ट करते हैं, जितनी भी एग्जेम्पशन है ये हम ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में से माइनस करते हैं, उसके बाद टैक्स की वैल्यू बनती है। तीसरी कैटेगरी, नॉर्मल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इनकम। अब देखो, तुम लोग जो हो, तुम लोगों के पेरेंट्स ने ACC की अगर हम बात कर लें ना, तो लाखों रुपए लगा दिए तुम लोगों के ऊपर, क्या ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है, क्योंकि उनकी वेल्थ तो कम हो रही है तुम्हारे ऊपर पैसा लगाने से, तुम्हारे खाने पर, पीने पर, कपड़ों पर, ये वो। तो टैक्स वाले कहते हैं कि ये जो चीजें हैं ना, ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर के अंदर आती हैं। तो अगर एक गिफ्ट नॉर्मल एक्सपेंडिचर की फॉर्म में जा रहा हो और डज नॉट अफेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
उस शख्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे फर्क ना पड़ रहा गिफ्ट करने से, तो वो नॉर्मल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इनकम के अंदर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल फी, अब स्कूल फी भी तो पेरेंट्स देते हैं ना, लेकिन स्कूल फी देने से वो गरीब नहीं हो जाते, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना ही मेंटेन रहता है। सही, अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एक्सपेंडिचर है ना, ये हैबिचुअल नेचर का है। अब जैसे किसी बच्चे ने स्कूल में पोजीशन ले ली, एसीसी के पेपर में पोजीशन ले ली, तो अम्मा बनेगा जी हम तो आपको जो ना वो करोला देंगे लेटेस्ट, ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये हैबिचुअल नेचर का नहीं। और हैबिचुअल नेचर का मतलब होता है रेगुलर पैटर्न होना चाहिए उसका। अब जैसे स्कूल की फीस है, तो एक रेगुलर पैटर्न वहां से जज हो जाएगा कि ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर आउट ऑफ इनकम। जो सबसे कॉमन है वो है एनुअल एग्जेम्पशन, तो हर जगह आ जाती है, बाकी ऊपर वाले तो कभी कभी आते हैं ना, ये तो हर जगह आती है। किसी भी पर्टिकुलर टैक्स ईयर के अंदर, चाहे गिफ्ट पैट हो या सीएलटी हो, टैक्सेबल हो या एग्जेम्प्ट हो, सही है, 3000 यानी कि आप अपनी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में से करंट ईयर का 3000 माइनस कर सकते हैं। अगर एक ही साल में आपने दो गिफ्ट किए, तो ये सीक्वेंस के अंदर पहले गिफ्ट में से माइनस होगा, उसके बाद बच गया तो दूसरे गिफ्ट में से माइनस होगा। पहला गिफ्ट अगर पैट है तब भी हम पहला गिफ्ट पैट पे कंसिडर करेंगे, तो एग्जेम्पशन पैट में से भी माइनस हो सकती है, सीएलटी में से भी माइनस हो सकती है। अच्छा, बार दफा क्या होता है कि किसी साल में हमने कोई गिफ्ट नहीं किया हुआ था, तो अगर कोई अनयूज्ड एनुअल एग्जेम्पशन है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती है, बच जाएगी तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी नेक्स्ट ईयर के लिए। कितनी? 3000, क्योंकि 3000 हर साल की है। तो किसी पर्टिकुलर ईयर में अगर आपने गिफ्ट यूटिलाइज नहीं किया, तो आप समझ लें वो आपने एक साल के लिए होल्ड कर लिया, उसको आप अगले साल में एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं। फर्स्ट आपको करंट ईयर यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट आपको करंट ईयर, देन आप अपना प्रीवियस ईयर का बचा कुचा यूज कर सकते हैं। एक साल तक ही कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, एक साल से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। ये एनुअल एग्जेम्पशन, बाकी एग्जेम्पशन से बाद में माइनस की जाएगी, यानी कि अगर मैरिज एग्जेम्पशन भी है, स्मॉल गिफ्ट भी है, तो आप पहले वो माइनस कर दें, बाद में ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में से एनुअल एग्जेम्पशन माइनस होगी, क्योंकि ये ट्रांसफर हो सकती है ना, आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। मसलन फॉर एग्जांपल, आपने गिफ्ट किया 2019 में, आपने गिफ्ट किया जिसकी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बन रही है 150,000, सही है, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें से माइनस कर देंगे एनुअल एग्जेम्पशन। अगर ये आपका पहला गिफ्ट है, तो 2019 की एनुअल एग्जेम्पशन कितनी होगी? 3000। पिछले साल में तो कोई गिफ्ट नहीं है, तो पिछला साल पूरा ब्लैंक है, तो आप उसकी भी 3000 ले सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है पिछले साल भी गिफ्ट होना। तो आपने कहा हमारी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कम होके 1,44,000 के ऊपर आ गया। सिमिलरली एक शख्स ने 2018 में एक गिफ्ट किया, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू 2000 रुपये, और 2019 में ट्रांसफर ऑफ वैल्यू किया 50,000 रुपये। अब देखें, जब मैं 2019 के लिए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में से एनुअल एग्जेम्पशन माइनस करूंगा,
मैंने 2019 की ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ली, इसमें से एनुअल एग्जेम्पशन माइनस की, कौन सी करंट ईयर के 3000, ये तो पूरे के पूरे अवेलेबल है मेरे पास, सही है। पिछले साल के अनयूज्ड, जो पिछला साल गुजरा होगा उस पिछले साल में ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में से हमने उस साल का करंट ईयर का पहले 2000 माइनस किए होंगे, तो अनयूज कितना बच गया, अनयूज बच गया 1000, जो कि यूटिलाइज नहीं हुआ। और 2017 का जो 3000 बचा हुआ था वो 2018 में यूटिलाइज नहीं हुआ, तो एक्सपायर हो गया, वो 2019 तक नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हमने कितना यूटिलाइज किया, 1000। तो अब आपके पास कितना हुआ, 4 माइनस कर दें, 46,000 की वैल्यू। ठीक है जी, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में से ऑल एग्जेम्पशन माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसे कहा जाता है चार्जेबल अमाउंट। अभी मैं एक फॉर्मेट बनाऊंगा जब टैक्स निकालूंगा, तो इसे कहते हैं चार्जेबल अमाउंट। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इंटर स्पाउस जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा एग्जेम्प्ट होता है। मैरिज के वक्त वो जो था ना, वो तो हस्बैंड एंड वाइफ या स्पाउस बन रहे थे ना, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट किया ड्यूरिंग द लाइफ टाइम किया, या वो अपनी डेथ स्टेट में से पूरी डेथ स्टेट उसको दे के चला गया, उसने कहा मेरी विल है कि मेरे पास जो भी पैसा रखा हुआ है सब मेरी वाइफ का, वाइफ ने कहा हस्बैंड का, तो उसके ऊपर कोई IHT कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। तो अगर किसी शख्स को IHT बचाना है तो उसके लिए बड़ा आइडियल सॉल्यूशन है कि वो बच्चों को देने के बजाय जो है वो हस्बैंड अपनी वाइफ को देके चला जाए। लेकिन वाइफ मरेगी तो किसको देके जाएगी, बच्चों को देके जाएगी ना, टैक्स तो लगना है उस पर अल्टीमेटली। तो लोग क्या करते हैं, लोग पार्शियली वाइफ को देके चले जाते हैं, पार्शियली बच्चों को देके चले जाते हैं, ताकि थोड़ी सी लायबिलिटी उनकी मिनिमाइज हो। सो ये सारी एग्जेम्पशंस हमने कवर कर ली, और अब हम चलते हैं इसके प्रोफॉर्मा के ऊपर, के CLT के ऊपर टैक्स किस तरह से लगाते हैं लाइफ टाइम पर, क्योंकि पेट तो टैक्सेबल होता ही नहीं। तो जब हम CLT के ऊपर लाइफ टाइम ट्रांसफर के ऊपर टैक्स लगाने जाएंगे, तो मैं इसका प्रोफॉर्मा बना रहा हूं। सबसे पहले हम लेंगे ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, अगर नहीं दी हुई होगी तो वो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उस ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में से हम माइनस कर देंगे एग्जेम्पशंस, जितनी भी एग्जेम्पशंस हैं, एनुअल एग्जेम्पशंस ही होती हैं नॉर्मली, वो एग्जेम्पशन माइनस की तो आपके पास चार्जेबल अमाउंट आ जाएगा। इस चार्जेबल अमाउंट के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, ऑब्वियसली ट्रांसफर ऑफ वैल्यू पर तो टैक्स नहीं लगा, एग्जेम्पशंस माइनस करने के बाद चार्जेबल अमाउंट के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। नाम से लग रहा है चार्जेबल अमाउंट है, टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन ये टैक्सेबल नहीं है। ये क्या है, ये है चार्जेबल अमाउंट। अच्छा, उस चार्जेबल अमाउंट में से भी हम एक चीज माइनस करेंगे जो मैं थोड़ी देर में आगे एक्सप्लोर करूंगा, और वो है निल रेट बैंड। IHT में सबसे जो टॉर्चर करने वाला ट्रीटमेंट है ना, वो है निल रेट बैंड का, ये समझना बहुत जरूरी है। निल रेट बैंड माइनस करने के बाद अगर कुछ बचता है तो वो टैक्सेबल अमाउंट होगा, और उस टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर IHT पे किया जाएगा। और IHT जो है वो या तो 20% के हिसाब से दिया जाएगा या 25% के हिसाब से दिया जाएगा।
तो ये आपकी आईएचटी की लायबिलिटी आ जाएगी सीएलटी के ऊपर। जब आईएचटी की लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी तो हम इसके नीचे लिखेंगे ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट। इसके नीचे लिखना जरूरी होता है, उसकी आगे जरूरत पड़ेगी क्यों लिखते हैं, क्या जरूरत होती है वो मैं आगे जाके बताऊंगा कि उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, ग्रॉस अमाउंट या ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट, सही है। और वो आपसे ड्यू डेट पूछ लेता है तो आप ड्यू डेट लिख देते हैं कि जी आपको इसके ऊपर टैक्स कब देना, ड्यू डेट्स पे तो हम आगे जाके बात करें। अब इसमें एक बात का ख्याल रखना है, देखिए दो चीजों का ख्याल रखना है, टैक्स पे करने वाला कौन है। अगर डोनर टैक्स पे करेगा तो गिफ्ट को नेट गिफ्ट कंसीडर किया जाएगा और टैक्स रेट होगा 25%। और अगर डोनी या ट्रस्ट टैक्स पे करेगा तो जो गिफ्ट होगा उसको हम चार्जेबल, ग्रॉस चार्जेबल गिफ्ट कहेंगे और रेट क्या होगा 20% होगा। ये रेट जो है ना ये होता 20% ही है, लेकिन ये 25 पता है कैसे बनता है, 25 ऐसे बनता है कि एक शख्स है वो गिफ्ट भी दे रहा है उसके ऊपर टैक्स भी दे रहा है, तो उसका टैक्स जो है ना वो अफेक्टिवली उसको लग रहा होता 25% बन गया, टैक्स होता 20% ही है। तो आपको एग्जाम में जो रेट प्रोवाइड किया जाता है ना वो गिवन ये होता है, ये 25% हमने एक तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है। आपको क्या करना है, जब सवाल में आप ये देखेंगे यार डोनर पे कर रहा है तो आप उठा के उस गिफ्ट को 25% टैक्स लगाएंगे और उसे नेट गिफ्ट कंसिडर करेंगे। मैं दोनों कैलकुलेशन करूंगा तो आपको ग्रॉस गिफ्ट और नेट गिफ्ट और रेट का फर्क समझ में आ जाएगा। पहले मैं एक एनआरबी की डिस्कशन कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या होगा। देखिए हर इंडिविजुअल को गिफ्ट वाले ईयर में एक एनआरबी प्रोवाइड किया जाता है, गिफ्ट वाले ईयर में एक एनआरबी प्रोवाइड किया जाता है हर इंडिविजुअल को, एनआरबी प्रोवाइड किया जाता है गिफ्ट वाले ईयर में। दो मिनट जस्ट रुको। दो हजार 19-20 का टैक्स रेट्स और अलाउंस की शीट में दिया हुआ है वह है 3,25,000। इसके अलावा अगर किसी और ईयर में ट्रांसफर होता है तो वो आपको क्वेश्चन के अंदर बता देगा कि एनआरबी कितना है। अब एनआरबी है क्या, सो एनआरबी बेसिकली इट्स अ डिडक्शन। एनआरबी हम किस में से माइनस करते हैं, एनआरबी फॉर्मेट के हिसाब से हम माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं फ्रॉम चार्जेबल अमाउंट। तो ये हमारे चार्जेबल अमाउंट को कम कर देता है, लेकिन एनआरबी माइनस करने से पहले हम ये देखते हैं कि इज एनआरबी अवेलेबल। अब इज एनआरबी अवेलेबल का क्या मतलब है, मसलन एक शख्स ने 2012 के अंदर एक गिफ्ट किया, पहली मर्तबा एक शख्स ने 2012 के अंदर एक गिफ्ट किया जिसकी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू थी 5,00,000। ये उसकी जिंदगी का पहला गिफ्ट है। तो जब हम एनआरबी कैलकुलेट करेंगे, अच्छा एनआरबी गिवन है 2012 का एनआरबी गिवन है 3,25,000 फॉर एग्जांपल। तो जब हम इसकी ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट निकालेंगे और उसमें से एनआरबी माइनस करेंगे तो हम वेट करेंगे, हम कहेंगे एक रूल अप्लाई करेंगे, लुक बैक 7 years रूल। कहां से लुक बैक देखेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर लुक बैक 7 years देखेंगे। तो अगर पीछे कोई गिफ्ट नहीं है तो हम कहेंगे ऑल एनआरबी अवेलेबल, अगर पीछे कोई गिफ्ट नहीं है तो।
पूरा का पूरा एनआरबी अवेलेबल है। लेकिन अगर पीछे कोई गिफ्ट मौजूद है तो प्रीवियसली अगर आपके पास कोई सीएलटी था तो उसका ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट चेक किया जाएगा, ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट चेक किया जाएगा। अगर उसका ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट एनआरबी से ज्यादा हुआ तो हम कहेंगे एनआरबी इज यूज्ड अप और एनआरबी हमारा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एनआरबी है डेट ऑफ गिफ्ट वाला, वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि पिछले 7 साल के अंदर कोई गिफ्ट था, अगर नहीं था तो पूरा एनआरबी अवेलेबल है, और अगर कोई गिफ्ट था तो उस गिफ्ट का ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट कितना था, और उसको फिर हम कंपेयर करके देखेंगे कि हमारा एनआरबी बचा या हमारा एनआरबी जो है वो यूज्ड अप हो गया। फॉर एग्जांपल, मैंने एक ट्रस्ट को 2014 के अंदर एक गिफ्ट किया जिसकी सीएलटी जो सीएलटी था और उसकी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू थी 3,20,000, और उससे पहले प्रीवियसली मेरे पास एक और सीएलटी था जो कि मैंने 2010 में किया था और उसका ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट था 2,00,000। अब 2014 वाले के लिए जब मैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू निकाली मैंने, तो मैंने ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ली कितनी 2014 वाले के लिए 3,20,000, उसमें से एनुअल एग्जेम्पशन माइनस की, एनुअल एग्जेम्पशन का वही रूल है, पहले 2014 के 3,000 माइनस किए, फिर 2014 से पीछे देखा ईयर ब्लैंक है तो प्रीवियस 3,000 माइनस किए, 3,20,000 में से 6,000 माइनस किए 3,14,000 आ गया। ये आ गया आपके पास चार्जेबल अमाउंट। अब इस चार्जेबल अमाउंट में से हमने क्या माइनस करना है, एनआरबी माइनस करनी है। तो हमने यहाँ पे लिखा एनआरबी, एनआरबी उसकी कितनी ली थी मैंने अज्यूम की थी, एनआरबी कोई भी अज्यूम कर लें, चले एनआरबी ले लें फॉर एग्जांपल 3,25 ही ले लें एनआरबी 3,25। अब लुक बैक 7 ईयर्स में ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट 7 ईयर्स बैक, सो फ्रॉम द डेट ऑफ गिफ्ट 2014 मैंने पीछे देखा तो पिछले 7 साल के अंदर एक गिफ्ट था जिसका ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट पड़ा हुआ है 2,00,000 का, तो वो 2,00,000 उठाकर मैंने यहाँ से माइनस कर दिए कि मेरा एनआरबी यूज हो चुका, बाकी कितना बचा, तो ये आपका अनयूज्ड एनआरबी पड़ा हुआ है, इसको आपने यहाँ से माइनस कर दिया, कितना अमाउंट आएगा, तो ये टैक्सेबल अमाउंट आएगा। ये इस टॉपिक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड रूल है, अभी प्रैक्टिस के साथ साथ क्लियर हो जाएगा कि आपको एनआरबी को पहले लुक बैक 7 ईयर्स के रूल में असिस्ट करना है। अगर आपको लुक बैक 7 ईयर्स का रूल अलाउ करता है तो आप एनआरबी लेंगे, वरना आपका एनआरबी जीरो हो जाएगा। सो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कितना अमाउंट बनता है, 179,189,000 शायद। अब इसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, जो भी रेट अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंगली टैक्स लगता है। सो सीएलटी करते वक्त जो भी एनआरबी होगा उसका लुक बैक का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लुक बैक के बाद ही पता लगेगा कि क्या टैक्सेबल अमाउंट बनता है, और उसके बाद डोनर देगा तो टैक्स क्या होगा, डोनी देगा तो उसका टैक्स अल्टीमेटली क्या बनेगा। अब हम चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरह से टैक्स लगाया जा सकता है। एक शख्स ने अपनी जिंदगी में ये लाइफ टाइम ट्रांसफर किया, पहला लाइफ टाइम ट्रांसफर उसने किया 30 जून को
2008 एक ट्रस्ट को, और उसकी वैल्यू थी 3 लाख। फिर उसने 31 अगस्त 2012 को एक और ट्रांसफर किया एक ट्रस्ट को, जिसकी वैल्यू थी 4,50,000। एज्यूम कर लिया कि ट्रस्ट को टैक्स पे करना है, सही है, दोनों के अंदर मिल रेट बैंड अवेलेबल है आपके पास 2008-2009, एनआरबी अवेलेबल है 1,80,000, 2012-2013 एनआरबी अवेलेबल है 3,00,000। कैलकुलेट IHT ऑन बोथ ट्रांसफर। क्या एज्यूम किया हमने? टैक्स कौन दे रहा है? टैक्स ट्रस्ट पे कर रहा है। सो अब हम वन बाय वन हर गिफ्ट को अलग अलग कंसिडर करेंगे सेपरेट। सो पहला जो हमारे पास लाइफ टाइम ट्रांसफर है वो है 3,00,000 का, दूसरा लाइफ टाइम ट्रांसफर है 4,50,000 का, और एनआरबी वगैरह भी अवेलेबल है। इसका फॉर्मेट भी ना अपने हिसाब से नहीं बना सकते, इसका फॉर्मेट इस तरह से बनता है, यहाँ ये लिखें हम, इसकी डेट लिखें 30 जून 2008, यहाँ लिखें ट्रांसफर ऑफ वैल्यू अगर गिवन है तो, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आ गई 3,00,000। अब इस ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में से एग्जेम्पशंस माइनस करें, ये ऑर्डर है इसका, कोई और एग्जेम्पशंस तो है ही नहीं, सो हमने एनुअल एग्जेम्पशंस माइनस की। एनुअल एग्जेम्पशन में हमारे पास करंट ईयर की एनुअल एग्जेम्पशन आएगी जो कि होगी 8 और 9 की 3,000, और प्रीवियस ईयर की हमारी एनुअल एग्जेम्पशन होगी 7 और 8 की विच इज 3,000। अब प्रीवियस ईयर क्यों लिया? क्योंकि 8 और 9 से पहले जो 7 और 8 है पिछला टैक्स ईयर वो खाली पड़ा हुआ है, ब्लैंक है, तो हमने पूरा यूटिलाइज कर लिया। अच्छा जी, कितनी वैल्यू आएगी? 6,000 माइनस कर दो, 4,000। इस चार्जेबल अमाउंट को मैं लिख रहा हूं ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट। तो ये बात ध्यान में रखें, जब ट्रस्ट को टैक्स पे करना होगा तो ये जो चार्जेबल अमाउंट बनेगा ये ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट बनेगा। अब इसमें से हमें एनआरबी माइनस करना, तो एनआरबी हमने लिखा 1,80,000। नाउ लुक बैक 7 ईयर, ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर या ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट, लुक बैक 7 ईयर्स। तो ये गिफ्ट तो पहली मरतबा दिया था ना, इसका लुक बैक देखें, कहाँ से देखेंगे लुक बैक? 2008 से पीछे देखें कुछ है? ब्लैंक, कुछ भी नहीं है, तो पीछे तो कोई गिफ्ट ही नहीं है। तो लुक बैक 7 ईयर्स में कोई ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट या ग्रॉस चार्जेबल ट्रांसफर नहीं है, तो इसका मतलब है पूरा एनआरबी इज अवेलेबल। तो ये एनआरबी उठा के इसमें से माइनस कर दिया तो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट है। ये टैक्सेबल अमाउंट कितना बनेगा? 94+20, 1,14,000। अब इस टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर हम IHT लगाएंगे, कौन दे रहा है टैक्स? टैक्स दे रहा है ट्रस्ट। तो जब भी ट्रस्ट टैक्स देगा तो IHT का जो रेट होगा वो 20% लगेगा। 20% रेट के हिसाब से 1,14,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये बनता है 22,800। ये निकालने के बाद हम इसके नीचे लिखेंगे ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट,
अब ऊपर क्या दिया हुआ है ये देखें, ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट कितना है 2,94,000, वो नीचे कॉपी कर देंगे, ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट नीचे कॉपी कर देंगे। इसलिए कॉपी किया क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, जब अगले वाले गिफ्ट पे जाएंगे तो लुक बैक 7 ईयर्स में यही ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट हमारे काम का आएगा, इसलिए आखिर में ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट लिखना जरूरी। इस कैलकुलेशन पे किसी को कोई प्रॉब्लम? दूसरे गिफ्ट पे चलते हैं। दूसरा गिफ्ट जो है हमारा वो कुछ साल बाद हुआ 2012 में, 4,50,000 का। अब इसके ऊपर 7 साल का रूल फॉलो होगा। सेकंड सीएलटी 2000, अच्छा ये साथ साथ भी कर सकते हैं ना, एक ही कॉलम बना के, लेकिन अभी मैं उसको मैशअप करने की जरूरत नहीं है, उसको हम अलग अलग कर रहे हैं। डेट मुझे एग्जैक्टली क्या थी, 31 अगस्त 2012, दिस इज 31 अगस्त 2012। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, तो ये आपके पास ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आ गई 4,50,000। अब इसके अकॉर्डिंगली इसमें से एनुअल एग्जेम्पशन माइनस कर दी। बिल्कुल ना, फॉर्मेटिंग बहुत जरूरी है, एक एक स्टेप्स क्लियर होना चाहिए कि पहले क्या माइनस करते हैं फिर क्या माइनस करते हैं। तो करंट ईयर की एनुअल एग्जेम्पशन आ गई 12-13 में 3,000। पीछे कोई गिफ्ट है पिछले साल? देयर इज नो गिफ्ट। सो प्रीवियस ईयर में हमारे पास 11-12 में कोई गिफ्ट नहीं है, पूरा 3,000 अनयूटिलाइज था। सो हमने 6,000 माइनस कर दिया, 4,44,000 की हमारे पास चार्जेबल अमाउंट आ गया। चार्जेबल अमाउंट लिखने के बाद मैं ये देखूंगा कि गिफ्ट पे टैक्स कौन पे कर रहा है। अगर ट्रस्ट पे कर रहा है तो दिस इज ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट, तो ये मेरा ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट आ गया। इसके बाद मैं इसमें से एनआरबी माइनस करूंगा। एनआरबी कितनी है इस साल की? इस साल की एनआरबी है 3,00,000। अब देखें 7 साल का लुक बैक का रूल आएगा, 3,00,000 का एनआरबी है हमारे पास। सो लुक बैक 7 ईयर्स में ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट, लुक बैक 7 ईयर्स। सो लुक बैक 7 ईयर्स में अगर हम देखते हैं तो इस गिफ्ट से 7 साल पीछे जाएं। सो 31 अगस्त 2012 से अगर मैं पीछे देखूं तो पिछला गिफ्ट 7 साल के अंदर मौजूद है। अगर 7 साल से पुराना है तो इग्नोर कर देना, और अगर 7 साल के अंदर मौजूद है तो उस पुराने गिफ्ट का GCA ले लेते हैं। तो उस पुराने गिफ्ट का GCA कितना था? 2,94,000। इस GCA ने NRB को यूज कर लिया, 2,94,000। टैक्स वाले कहते हैं कि आपके पिछले साल के जो गिफ्ट था उसने आपके करंट ईयर के NRB को यूज कर लिया। अब आपके पास NRB अवेलेबल कितना बचा? 6,000 का। इसको आप 4,44,000 में से माइनस कर दें 6,000, वो अमाउंट बनेगा 4,44,000 माइनस 6,000, 4,38,000 का ये आ गया आपका टैक्सेबल। ISTT कौन पे कर रहा है? ISTT ट्रस्ट पे कर रहा है, इसलिए रेट क्या लगेगा? 20%, और 20% के अकॉर्डिंगली 87,600 बनता है। ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट दोबारा निकालना पड़ेगा, ऊपर वाला ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट नीचे उठाकर कॉपी कर दी। अब अगर अगले साल या उससे अगले साल में कोई और गिफ्ट होता है तो पीछे 7 साल में क्यूमुलेटिवली 2 CLT भी हो सकते हैं, 2-3 CLT भी हो सकते हैं, तो अल्टीमेटली ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है जी, अब कोई सवाल है तो बोलें, इस पॉइंट पे कोई सवाल है तो बताएं। डोनर इज टू पे टैक्स, दोबारा हम चलते हैं अपने पहले CLT की तरफ। तो जो हमारा पहला CLT था 30 जून 2008,
और इसके अंदर हमारे पास ट्रांसफर ऑफ वैल्यू थी 300,000। इसमें से हम माइनस करेंगे एनुअल एग्जेम्पशन, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एनुअल एग्जेम्पशन हमारी उसी तरह से माइनस होगी, करंट ईयर की 3,000 और पिछले साल की 3,000। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 3,000 प्लस 3,000 6,000, तो ये आ गई 2,94,000। अब देखें ये चार्जेबल अमाउंट है, लेकिन क्योंकि टैक्स कौन पे कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है डोनर, तो इसको चार्जेबल अमाउंट को ग्रॉस नहीं कहा जाएगा। अब ये चार्जेबल अमाउंट है नेट चार्जेबल अमाउंट, और इसमें से आपका वही एनआरबी, एनआरबी आई थिंक 1,80,000 था ना, एनआरबी 1,80,000, लुक बैक 7 ईयर्स ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट, लुक बैक 7 ईयर्स कुछ भी नहीं था, तो आपने 1,80,000 का एनआरबी इसमें से डिडक्ट किया और आंसर आ गया 1,14,000 का टैक्सेबल अमाउंट। अब क्योंकि डोनर पे करता है तो डोनर का जो टैक्स होता है वो 25% पड़ता है डोनर को, टैक्स रेट है 20% लेकिन डोनर को पड़ता है 25% क्योंकि वो अपनी बिलोंगिंग्स भी दे रहा है और टैक्स भी दे रहा है, तो इफेक्टिवली 25% उसको पड़ता है आईएसटी। तो अब रेट क्या लगेगा, अब रेट लगेगा 25%। सो 1,14,000 पे आप निकालेंगे 25%, सो 1,14,000 25% कितना बनता है, 28,500। उसके बाद आप नीचे लिखेंगे ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट। अब ये ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट ऊपर तो दिया हुआ है नेट, तो इसको ग्रॉस बनाने का तरीका ये है कि नेट चार्जेबल अमाउंट लें और उसमें आई एच टी पेबल एड कर दें, तो ये ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट बन जाएगा। सो ये आपका ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट बना 3,22,500। पिछले वाली एग्जाम्पल में और इस वाली एग्जाम्पल के अंदर दो डिफरेंसेस आए, एक तो ग्रॉस गिफ्ट का फर्क है और नेट गिफ्ट का फर्क है, और दूसरा जो आपके पास आंसर आ रहा है उसको आप 20% से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 25% से मल्टीप्लाई करेंगे, और आखिर में जो जीसीए आएगा वो जीसीए डायरेक्ट नहीं आ सकता, मतलब ये उठा के यहाँ पे कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि वो नेट गिफ्ट है। सो नेट गिफ्ट प्लस आई एच टी, नेट गिफ्ट प्लस आई एच टी, दिस इज ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट। वैसे नॉर्मली ये है कि अगर सवाल में कुछ ना लिखा हुआ हो तो टैक्स नॉर्मली डोनर ही पे करता है, ट्रस्ट को जो देने वाला है वो ही पे करता है, तो उसका रेट 25% ही लगेगा अगर सवाल साइलेंट है तो, यूजुअली सवाल के अंदर मेंशन होता है, सवाल साइलेंट नहीं होता। अच्छा एक बात ध्यान में रखें कि जो पीईटी है ऑल्दो वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन जब आप L1 एग्जेम्पशन माइनस करेंगे तो आप पीईटी को भी कंसिडर करेंगे, पीईटी भी आपके जहन में होना चाहिए। अब इसका जो दूसरा वाला पार्ट है जिसके अंदर 4,50,000 का सीएलटी था, तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू 4,50,000, 4,50,000 की ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आ गई, इसमें से हमने एनुअल एग्जेम्पशन माइनस कर दी, ये एनुअल एग्जेम्पशन हमें पड़ी 6,000 की, टोटल 4,44,000, दिस इज चार्जेबल अमाउंट, और क्योंकि डोनर टैक्स पे कर रहा है तो ये चार्जेबल अमाउंट आपका बन जाएगा नेट चार्जेबल अमाउंट। फिर हमने उसमें से एनआरबी माइनस किया, एनआरबी अवेलेबल था 3,00,000 का, लुक बैक 7 ईयर्स जीसीए, तो अब लुक बैक 7 ईयर्स में हमारे पास जो ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट है वो है 3,22,500। इसका मतलब है आपका एनआरबी क्या हो गया, आपका एनआरबी हो गया 0,
4,44,000 का आपका टैक्सेबल अमाउंट बना, और इस टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर आपको आईएसटी पे करना है एट द रेट ऑफ, डोनर पे कर रहा है तो आईएसटी बनेगा 25%, 4,44,000 4,44,000 × 0.25 फिर हम क्या निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट। तो ये ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट हमारा बनेगा नेट चार्जेबल अमाउंट 4,44,000 प्लस आई एच टी, तो ये आई एच टी इसके अंदर हमने 4,44,000 ये हो गया आपके पास 5,55,000। यहां तक अब एक डिस्कशन हमारा सर आपकी आवाज नहीं आ रही। और उसके अंदर उसके पास
पहला है जो उसने ट्रस्ट को किया सीएलटी, दूसरा उसने डॉटर को किया पेट, तीसरा उसने ट्रस्ट को किया सीएलटी, चौथा उसने ट्रस्ट को किया अगेन सीएलटी। जो पहले दो सीएलटी हैं उसके ऊपर टैक्स ट्रस्टी पे करेगा 20% के हिसाब से, और जो लास्ट ट्रस्ट वाला गिफ्ट है उसके ऊपर डोनर देगा यानी कि 25% के हिसाब से, और हमें इसके ऊपर आईएसटी कैलकुलेट करना है, चारों के ऊपर आईएसटी कैलकुलेट करना। अब हम चारों की एक साथ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जो है ना वो मैसी हो जाएगी कैलकुलेशन, और एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि हम सारी एक साथ करें, इतना बड़ा सवाल भी नहीं आता, तो मैं इसको अलग अलग ही ट्रीट करता हूँ। तो पहला गिफ्ट कंसिडर करता हूँ जो कि हमने किया, डेट क्या है 30 जून 2009 की। तो पहला हमारे पास आ गया सीएलटी विच इज 30 जून 2009। सबसे पहले हमने क्या लेना है, सबसे पहले हमने लेना है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो तुम लोगों को फॉर्मेट याद हो गया होगा, तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू मुझे सवाल में दी हुई है 1,70,000 पहला गिफ्ट है। सो एनुअल एग्जेम्पशन करंट ईयर की भी अवेलेबल है और एनुअल एग्जेम्पशन लास्ट ईयर की भी अवेलेबल है। तो करंट ईयर की हमने एनुअल एग्जेम्पशन ले ली, करंट ईयर की एनुअल एग्जेम्पशन बनती है 3,000 और प्रीवियस ईयर की एनुअल एग्जेम्पशन बनती है 3,000। तो इस तरह 6,000 की एनुअल एग्जेम्पशन हमने माइनस कर दी और हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1,64,000 विच इज़ दी चार्जेबल अमाउंट। कौन टैक्स पे कर रहा है, इट डिपेंड्स कि कौन टैक्स पे कर रहा है, डोनी टैक्स पे कर रहा है, ट्रस्ट टैक्स पे कर रहा है, सो इसको हम कहेंगे इट्स अ ग्रॉस गिफ्ट। और अब एनआरबी चेक करेंगे, तो एनआरबी जो अवेलेबल है हमारे पास 3,25,000, सब में कॉमन ही रखी हुई है 3,25,000। लुक बैक 7 ईयर्स GCA, लुक बैक 7 ईयर्स नथिंग, तो हमारे पास 3,25,000 का अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है जो कि ज्यादा है, तो इसका मतलब है टैक्सेबल अमाउंट कितना हुआ, टैक्सेबल अमाउंट हो गया 0, तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ जो है वो कवर कर लिया एनआरबी ने। तो आईएसटी पेबल हो गया 0, लेकिन जो हमारा ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट है जो हमें लिखना है वो ऊपर से हमने कॉपी किया और वो आ गया 1,64,000। ये पहला गिफ्ट हमारा ख़त्म हो गया। दूसरा जो गिफ्ट हमने किया है उसकी डेट देखनी पड़ेगी। दूसरा गिफ्ट हमने किया है 2013 में यानी कि 13-14 में, और अगला गिफ्ट 14-15 में हुआ है। तो सब्सिक्वेंट गिफ्ट्स हैं 1,50,000 टू डॉटर, तो इसके ऊपर टैक्स तो लगेगा नहीं, लेकिन ये पैट है तो हमें इसकी एनुअल एग्जेम्पशन करके इसका क्रॉस चार्जेबल अमाउंट निकाल के रखना है। सो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आ गई 1,50,000, 1,50,000 ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आ गई। इस ईयर के अंदर एनुअल एग्जेम्पशन ली हमने, एनुअल एग्जेम्पशन जो करंट ईयर की है, करंट ईयर के 3,000 और प्रीवियस ईयर के 3,000 वो इसमें से माइनस कर दी, 6,000 माइनस किए तो 1,44,000 का हमारे पास चार्जेबल अमाउंट आ गया। यही ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट होगा, पैट में ये नेट और ग्रॉस का चक्कर नहीं होता। तो इसी को मैंने GCA किया और नीचे लिख दिया 1,44,000। अब जो उसके बाद हमारा गिफ्ट आया वो सब्सिक्वेंटली अगले साल आया CLT, और CLT की वैल्यू है 1,91,000। तो CLT हमारे पास अगले साल आया 1,91,000 ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। सो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इज 1,91,000। इस साल की जो हमारी एनुअल एग्जेम्पशन है वो तो पूरी अवेलेबल है, लेकिन पिछले साल में हमारे पास एक गिफ्ट ऑलरेडी मौजूद था, तो करंट ईयर के तो हमें पूरे 3,000 यूटिलाइज होके मिलेंगे, लेकिन जब हम प्रीवियस ईयर में जाएंगे तो प्रीवियस ईयर में हम पिछले साल पैट को ले चुके हैं, तो प्रीवियस ईयर 0 हो गया और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1,88,000
एंड दिस इज चार्जेबल अमाउंट, क्योंकि डोनी ट्रस्ट पे कर रहा है तो इसलिए इसको भी हम ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट लिखेंगे, इट इज ऑल्सो ग्रॉस चार्जेबल अमाउंट। अच्छा, उसके बाद क्योंकि सी एल टी है तो लुक बैक 7 ईयर्स में पहले हमने एन आर बी लिया 3,25,000 का, और लुक बैक 7 ईयर में जी सी ए देखा लुक बैक 7 ईयर्स में। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि वो कहते हैं कि दो गिफ्ट मौजूद हैं तो हम पैट को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सी एल टी को कंसिडर करेंगे। तो पीछे जाएंगे तो इस गिफ्ट से पीछे हमारे पास दो गिफ्ट्स मौजूद हैं, लेकिन हम सिर्फ सी एल टी को कंसिडर करेंगे, और सी एल टी जो पहला वाला था शाजान और जस्ट अ ब्रेक। चलें जी दोबारा, सो लुक बैक 7 ईयर्स के लिए जो मैं कह रहा था, तो लुक बैक 7 ईयर्स में हम सी एल टी कंसिडर करेंगे। सो लुक बैक 7 ईयर्स की डेट चेक करनी पड़ेगी, तो डेट अगर हम चेक करें जो थर्ड गिफ्ट हमारे पास है उससे अगर हम डेट चेक करें तो हमारे पास, वन मिनट स्क्रीन जो है वो, ये देखें 2014 से पीछे हमारे पास दो गिफ्ट हैं, पैट को तो छोड़ दें, 2014 से 2009 को कंपेयर करें तो 2009-2014 तकरीबन 5 साल हुए हैं लुक बैक 7 ईयर्स के रूल में इसका जीसीए फॉल हो रहा है। तो हमने क्या किया, इसका प्रीवियसली हमने जीसीए लिया 1,64,000, ये 1,64,000 इसमें से माइनस किया, रिमेनिंग एनआरबी आ गया हमारे पास 1,61,000, ये 1,88,000 में से माइनस किया और हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट बचा जिसके ऊपर टैक्स देना है धोनी को, टैक्सेबल अमाउंट बना 27,000 और इसके ऊपर जो आईएसटी लगेगा वो आईएसटी लगेगा एट द रेट ऑफ 20%, सो ये बना 5,400। और किसको पे करना है, ट्रस्टी को पे करना है, तो इसका जो जी सी ए होगा वो जी सी ए इसका ऊपर से उठा लेंगे 1,88,000, 1,88,000 ये इसका जी सी ए हमने यहाँ से उठा लिया। उसके बाद हमारे पास जो अगला गिफ्ट है वो है ट्रस्ट का 2019 का। तो अगले गिफ्ट पे जब मैं जाता हूँ तो अगले गिफ्ट को अगर मैं लुक बैक 7 ईयर्स में देखूँ, सो लुक बैक 7 ईयर्स में एक गिफ्ट 2014 में मौजूद है, एक गिफ्ट 2013 में मौजूद है, एक गिफ्ट 2009 में मौजूद है। तो जो 2009 वाला गिफ्ट है वो 7 ईयर्स की रेंज से बाहर निकल गया, 2013 वाला 7 ईयर्स की रेंज में है लेकिन पैट है, इग्नोर कर दें, और 2014 वाला गिफ्ट जो है वो 7 साल की रेंज में लुक बैक 7 ईयर्स के अंदर फॉल हो रहा है। अब मैं इसको बेस बनाऊंगा लुक बैक 7 ईयर्स में। तो हमारे यहाँ जो अगला हमारे यहाँ सी एल टी आ रहा है वो सी एल टी हमारे पास बन रहा है 2019 का, उस सी एल टी का हमने ट्रांसफर ऑफ वैल्यू लिया, सो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हमारे पास था 2,56,000। इसमें से हमने एनुअल एग्जेम्पशंस माइनस की, तो एनुअल एग्जेम्पशन में फिर हमें देखना पड़ेगा करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। सो करंट ईयर की एनुअल एग्जेम्पशन हमारे पास 3,000 बन रही है, प्रीवियस ईयर में हमारे पास कोई गिफ्ट नहीं है, सो प्रीवियस ईयर की एनुअल एग्जेम्पशन भी 3,000 बन रही है, तो ये हमारे पास 2,50,000 का चार्जेबल अमाउंट आ गया। अब क्योंकि लास्ट गिफ्ट के बारे में ये लिखा हुआ था कि ये डोनर देगा तो ये नेट गिफ्ट कंसिडर किया जाएगा 2,50,000। फिर हमने एनआरबी फाइंड आउट किया, सो एनआरबी गिवन है 3,25,000 का, लुक बैक 7 ईयर्स में जीसीए, लुक बैक 7 ईयर्स, सो अब लुक बैक 7 ईयर्स में हमारे पास जो पिछला गिफ्ट है उसका जीसीए था 1,88,000, सिर्फ पिछला गिफ्ट वो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया 1,88,000, तो हमारे पास जो सरप्लस आया
वो सरप्लस आया 1,37,000 का एनआरबी अवेलेबल, इसे हमने माइनस कर दिया तो ये हमारे पास बन गया टैक्सेबल अमाउंट, और ये टैक्सेबल अमाउंट बनता है 1,13,000। टैक्स कौन दे रहा है? टैक्स आईएसटी एट द रेट ऑफ 25%। वाई 25%? क्योंकि डोनर दे रहा है। 25% बनता है 28,250। फिर फ्यूचर के लिए लुक बैक 7 ईयर्स के रूल के लिए जीसीए, तो जीसीए में अब नेट गिफ्ट था 2,50,000 का, उसमें इस साल का आईएसटी ऐड किया तो ये बन गया कैरी फॉरवर्ड के लिए 278,250। तो हमने एक पार्ट जो है